भूख लगी है, ऑफ कोर्स लगी होगी क्योंकि लंच आवर चल रहे हैं, तो भूख तो लगी ही होगी। तो चलिए लंच के लिए चलते हैं अमर उपाध्याय के पास और जानते हैं कि उनके डिब्बे में क्या क्या है। वीरेन बाबू को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ये जानने में दिलचस्पी तो आप जरूर रखते होंगे। आज हम आपको ले चलेंगे मोलकी के वीरेन यानी कि अमर उपाध्याय के पास और जानेंगे कि उनके लंच बॉक्स में क्या क्या खास होता है। लंच में बहुत ही सिंपल घर का खाना होता है, मेरी वाइफ बनाती है अर्ली मॉर्निंग जब मैं निकलता हूँ, तो बड़ी मेहनत करती है मेरी वाइफ। अर्ली इन द मॉर्निंग शी गेट्स अप एट 6 o'clock फॉर मी, क्योंकि हमारी कुक जो है वो 10 बजे आती है, तो बाकियों का खाना वो बनाती है, लेकिन मेरा खाना मेरी वाइफ बनाती है, तो बहुत अच्छा बनाती है, शी इज़ द बेस्ट कुक। सो सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी दही और कुछ हल्का फुल्का सैलेड होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता ताम जाम, और स्वीट तो मैं खाता नहीं, तो स्वीट नहीं होता कभी। आज मेरे बच्चों की फेवरेट सब्ज़ी है ये भिंडी, और भिंडी के साथ दही, और मुझे दही भिंडी बहुत पसंद है, ये मेरी फेवरेट है दही भिंडी। मेरे बेटे को भिंडी बहुत पसंद है, मेरी बेटी को भी खास इतना पसंद नहीं लेकिन वो खा लेती है। सो आई लाइक भिंडी माई सेल्फ, बचपन में मेरी भिंडी बहुत फेवरेट थी, तो भिंडी और रोटी है और दाल चावल ऑलरेडी मिक्स्ड है, ओके, और ये है छोटा थोड़ा सैलेड और ये दही है जीरा के साथ, और ये छाछ जो मैं पीता हूँ रोज़ खाना खाने के बाद। तो सिंपल खाना है घर का। अगर सब्जियों में बात करें तो पत्ता गोभी मेरी सबसे फेवरेट है, उसके अंदर जो पीस आते हैं पत्ता गोभी और भटाना अगर होता है तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर 10 सब्जियाँ रख दो, भिंडी भी रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन पत्ता गोभी होगी तो आई लव पत्ता गोभी, समाव आई लव इट। सो सब्जियों में वो खाता हूँ, फ्रूट्स में अगर मैंगो मेरे सामने हो या फिर बनाना हो, ये दो मुझे बहुत पसंद है, और तंदूरी रोटी हो तो और मज़ा आ जाए मक्खन के साथ। और आजकल ठंड शुरू हुई है बॉम्बे में हल्की फुल्की, तो अब मक्के की रोटी सरसों का साग भी शुरू हो जाएगा हमारे घर में बनना, तो वो भी आ जाएगा। जैसे शूटिंग करते हैं तो आधा घंटा आगे पीछे होता ही है, तो 1 बजे के आसपास हमारा लंच ब्रेक होता है, तो मैं 1 बजे के आसपास, वैसे भी मैं घर पे खाता हूँ, कहीं भी होता हूँ 1 बजे खा लेता हूँ, ये आधा घंटा आगे पीछे। तो लंच को लेकर, ब्रेकफास्ट को लेकर, डिनर को लेकर बहुत टाइमिंग का मैं पर्टिकुलर हूँ, शाम को 8 बजे तक मैं डिनर कर लेता हूँ। अमर जितनी सादगी से रहते हैं उनका खाना भी उतना सादा होता है, दाल चावल रोटी सब्जी ये इनकी पसंद का खाना है। और सबसे जरूरी बात तो ये बताते हैं कि लॉकडाउन में अमर उपाध्याय एक अच्छे कुक बन गए हैं। मैंने लॉकडाउन में खाना बनाना सीखा, जैसे बहुत मर्दों ने सीखा, जैसे मैंने भी सीखा। मैंने पंजाबी पकौड़े वाली कड़ी सीखी है जो मैं फैंटास्टिक बनाता हूँ, अभी करीब 6-7 बार बनाई मैंने और सबको पसंद आई। मेरे घर में तो डिमांड करते हैं कि अगर मैं घर में हूँ तो वो पकौड़े वाली कड़ी बनाऊँ। रोटियाँ भी बना लेता हूँ मैं, लेकिन रोटियाँ बेलना बहुत ही टफ जॉब है, बना लूँगा कभी ऐसी, अगर टाइम आया कि बनाना पड़े तो बना लूँगा, वो भी आता है। तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने, आटा गूंदना भी आता है। तो ये थी अमर के साथ एक छोटी सी मुलाकात, उम्मीद करते हैं कि ये मुलाकात जरूर पसंद आई होगी, आगे और भी कुछ नज़ारे दिखाएंगे आपको सीरियल मोलकी से जुड़े हुए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।